बिना शिक्षा के मनुष्य बिना नींव के घर की तरह होता है, ये किसी ने बिल्कुल सच कहा है। परंतु जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी राज्य, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में प्राइवेट स्कूल्स ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सरकारें और अभिभावक पूर्ण रूप से बलिभांति से जानते हैं। इसका परिणाम कोरोना काल में ही सबने देखा कि किस तरीके से पिछले 2 सालों से प्राइवेट स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और पढ़ाई को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने में सफल प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं और कई तरीकों से शिक्षा को घर घर पहुंचा रहे हैं। पर एक सवाल अब इन प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा सरकार से किया जा रहा है कि कब तक इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और कब सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी। जम्मू की ही बात की जाए तो ये प्राइवेट स्कूल्स की तादाद काफी ज्यादा है और इनमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी काफी कुशल हैं। परंतु कोरोना काल में कईयों ने अपनी नौकरियों से हाथ गवा दिए और इसका बड़ा कारण था कि सरकार द्वारा तैयार की गई प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नीतियां। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर 22 लाख विद्यार्थी हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 4 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा आंकड़ा जो है प्राइवेट स्कूल्स की जिम्मेदारी है। परंतु इस जिम्मेदारी को कोई नहीं समझ रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो शायद जो है इस जिम्मेदारी से मुंह फेरती हुई नजर आ रही है। इसी के संदर्भ में ऑल जम्मू प्राइवेट स्कूल्स द्वारा प्रेस क्लब में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और सरकार से गुहार लगाई गई। इस मीटिंग में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स भागीदारी करते हुए नजर आए और इस मौके पर मौजूदा सभी का यही कहना था कि पिछले 2 सालों से स्कूल्स पूर्ण रूप से बंद हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फी रिस्ट्रिक्शन समिति लागू की गई है जो हर रोज नए ऑर्डर निकालती है और इससे प्राइवेट स्कूल्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और चेयरमैन फी रजिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इन सब से एक मीटिंग की जाए ताकि अपनी मुश्किलों को उनके समक्ष पेश कर सके। सर, हमारी प्राइवेट स्कूल्स की मीटिंग हुई जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव आए और सभी में एक बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इस टर्माइल में 2 साल हो गए हमारे स्कूल्स बंद हैं और स्कूल को चलाना कितना मुश्किल है। ये समझते हुए भी फीस फिक्सेशन कमेटी जो है हमारे ऊपर थोपी गई है, वो दिन हर दिन एक नया ऑर्डर निकाली, हर फाइल पर एक नया ऑर्डर होता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। एक फाइल में एक ऑर्डर होता है और दूसरे में दूसरा ऑर्डर होता है, तो इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो हम सफ़र कर रहे हैं कि कहीं ढंग से हमें फ़ी ही नहीं आ रही है, दूसरा ये नए नए रूल हम पे थोपे जा रहे हैं। तो हम अपील करते हैं फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन साहब से, या तो हमसे मीटिंग करें, हमें कॉन्फिडेंस में लेके हमसे बात करें ताकि हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं और रूल्स बताएं, और बिना रूल्स के चल रहे हैं। रूल हमारे कुछ कहते हैं, सारों हमारे कुछ कहते हैं और उस वो अपने ढंग से एक रूल पास कर रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि कोरोना काल में बच्चों ने जो है काफी हद तक सफर किया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कई जगह पर नेटवर्क्स के इशू हैं, तो कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स उपलब्ध नहीं हैं और उन तक पढ़ाई पहुंचाने के लिए टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं। और अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की तो कोशिश की जा रही है कि नोट्स बनाकर इन बच्चों को घर घर पहुंचाए जा सके, परंतु आज एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं की ही मुश्किलों से मुंह फेरती हुई नजर आ रही है। अभी एक सवाल है कि देश के भविष्य को बनाने वालों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और कब तक ऐसी नीतियां तैयार की जाएंगी कि जिससे कि प्राइवेट स्कूल्स को राहत दी जाएगी, या ये मान ले कि ये नीतियां जो तैयार की जा रही हैं उनका मकसद प्राइवेट स्कूल्स को खत्म करना है। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें डीआरटी न्यूज के साथ।